नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात आज वृष राशि की होगी कि वृष राशि के लोग कैसे होते हैं, इनकी ताकत क्या है, इनकी कमजोरियां क्या हैं और इन्हें कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए। सबसे पहले बता दूं कि दूसरे नंबर की राशि वृष राशि है। इसका मालिक शुक्र होता है और ये चंद्रमा को बहुत प्रिय होती है। चंद्रमा इस राशि में सबसे ज़्यादा मजबूत हो जाता है, सबसे अधिक ताकतवर हो जाता है। चूँकि शुक्र और चंद्रमा दोनों से इस राशि का संबंध है, इसलिए ज़्यादातर वृष राशि के लोग ग्लैमरस होते हैं, अच्छे दिखाई देते हैं, उनका प्रेजेंटेशन भी बहुत सुंदर होता है, बड़ा खूबसूरत होता है। वृष राशि के लोग ग्लैमर के फील्ड में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मीडिया में, कला में, सफ़ेद वस्तुओं के व्यापार में या पेंटिंग आदि कार्यों में बड़े सफल होते हैं, बड़ी सफलता इनको प्राप्त होती है। लेकिन वृष राशि की मुश्किल ये है कि बड़े ज़िद्दी होते हैं, बड़े अड़ियल होते हैं। जो बात एक बार दिमाग में घुस गई वो बात इनके दिमाग से नहीं निकलती और इसी ज़िद्द में, इसी क्रोध में अपना बहुत सारा नुकसान भी कर बैठते हैं। लेकिन अगर ये बुद्धिमानी से चलें तो वृष राशि के लोग जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं और नए रास्ते पर चल के इतिहास भी बना सकते हैं। ज़्यादातर वृष राशि वालों को कान, नाक और गले की मुश्किलें परेशान करती हैं। इन तीन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और अगर कोई महिला वृष राशि की है तो उसको अपने मोटापे की टेंडेंसी पर भी ध्यान रखना ज़रूरी है। वृष राशि अगर आपकी है तो आपको तीन उपाय जरूर करने चाहिए। सबसे पहला, नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करें, चाहे नमः शिवाय का जप करें, शिव जी को जल चढ़ाएं, शिव जी की स्तुति करें, जैसे भी चाहें शिव जी की पूजा करें। एक चांदी का छल्ला, चांदी का कड़ा या चांदी की चेन जरूर पहननी है आपको। और तीसरा काम, एक वाइट कलर का चमकदार रुमाल हमेशा अपने पास रखने की आदत बना लीजिए। ऐसा करने से चंद्र और शुक्र दोनों की कृपा आपको मिलेगी और जीवन का जो संघर्ष रहता है आपके वो निश्चित रूप से कम होगा। तो आज के लिए एस्ट्रो तक में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।